हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है फॉर डिस्कशन इज योर हाउ टू प्लान फॉर योर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स इन लास्ट 2 मंथ्स। देखिए, बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी, सीए का अगर मैं हर लेवल की बात करूं, जैसे अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं, तो वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 मंथ सेल्फ स्टडी टू क्रैक फाउंडेशन एग्जाम विद गुड मार्क्स। सीए इंटरमीडिएट की अगर मैं बात करूं, तो वी रिक्वायर 3 मंथ्स टू फॉर ऑफ सेल्फ स्टडी टू क्लियर आर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम। और यही बात अगर हम सीए फाइनल की बात करें, तो हमें कम से कम 4 महीने की सेल्फ स्टडी चाहिए होती है टू क्लियर योर एग्जाम्स। ठीक है जी, तो अब हम सीए इंटरमीडिएट की स्टेट पे हैं। अब अगर मैं नवंबर 19 अटेम्प्ट की बात करूं, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही महीने हैं। मैं फिर भी आपको स्ट्रैटेजी दूंगा कि कैसे हम अपने 2 महीने में अच्छी प्रिपरेशन करके अपने एग्जाम को वन शॉट में क्लियर कर सकते हैं। और याद रखिएगा, दिस वीडियो इज फॉर बोथ ग्रुप स्टूडेंट्स। जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि बोथ ग्रुप में स्ट्रैटेजी हमें ज्यादा अच्छी चाहिए होती है। ग्रुप वन वाले भी जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सर उनके पास तो वैसे भी रिलैक्सेशन होती है, टाइम उनके पास इफेक्टिवली ज्यादा रहता है। तो बोथ ग्रुप वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और सिंगल ग्रुप वाले बच्चे इसी प्लान को अपने हिसाब से टाइम एलोकेट करके कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है जी, सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो यहां पर हमारे पास, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे सर जो रिपीट कर रहे हैं, जिनका अभी ये वाले एग्जाम में क्लियर नहीं हुआ होगा, वो रिपीट कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं। ठीक है जी, सीए इंटरमीडिएट का। तो दोनों ही स्टूडेंट्स, चाहे वो रिपीट कर रहे हो चाहे उनका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, दोनों ही स्टूडेंट्स इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। देखिए जी, अगर मैं फेलियर की बात करूं, सर स्टार्टिंग ही आप नेगेटिविटी से करो। जी बिल्कुल, इसको जानना बहुत जरूरी है। फेलियर फेलियर क्यों होता है? सीए एग्जाम्स में फेलियर होने के कारण होते हैं सर, पहला कारण रहता है कि हमने पढ़ाई नहीं करी, वी हैव नॉट स्टडीड एट ऑल। सर, पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि हमने बिल्कुल किताबें हाथ नहीं लगाई। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा सीए एग्जाम्स में जिसने किताबें हाथ नहीं लगाई होंगी। 2 महीने सर हर कोई पढ़ता है, जिसने पहले कुछ नहीं पढ़ा वो भी 2 महीने में अपनी जी जान लगा देगा, पढ़ेगा, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो रहा। क्योंकि रीजन क्या रहता है कि पढ़ाई तो करी है, लेकिन वी आर नॉट सीरियस, हम सीरियस नहीं थे, सिंसियर नहीं थे, हम ऑनेस्ट नहीं थे, हम पंक्चुअल नहीं थे, हम डिसिप्लिन्ड नहीं थे। ये हमारे साथ कमियां रही। पढ़ाई तो हमने करी, लेकिन हम सीरियसली पढ़ नहीं रहे थे, सिंसियरिटी नहीं थी, हम अपने आप के साथ ऑनेस्ट नहीं थे, हम अपने टाइम के पंक्चुअल नहीं थे, और पढ़ते समय हम डिसिप्लिन नहीं थे, प्लस हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी थे। डिस्ट्रैक्टेड बहुत कॉमन समस्या आज के टाइम में, डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन मींस दिमाग भटकना इधर उधर, पढ़ रहे हो लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। अब वो डिस्ट्रैक्शंस कैसी कैसी हो सकती हैं आज के टाइम में? सोशल मीडिया सबसे बुरी डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया में आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं और आपका बहुत ज्यादा टाइम खराब भी करते हैं। दूसरी डिस्ट्रैक्शन, आजकल गेम्स आ गई हैं बहुत सारी, गेम्स की डिस्ट्रैक्शन, जैसे पबजी, कई सारे लोग पबजी में लगे रहते हैं, वो पबजी की डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन होती है रिलेशनशिप की डिस्ट्रैक्शन, किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी की गर्लफ्रेंड है, ये डिस्ट्रैक्शन। ये चीजें आपके फेलियर का सबसे मेजर कारण बनती है, ये चीज ध्यान रखना। सर क्या इन चीजों को छोड़ दें, त्याग दें सीए करते समय? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा त्याग दें, लेकिन इन 2 महीनों के लिए आपको इन चीजों को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। सर सोशल मीडिया कट कर दे, बिल्कुल कट नहीं करना, लेकिन टाइम बाउंड होकर करना पड़ेगा। कुछ टाइम आपको पढ़ाई के लिए देना पड़ेगा, तो कुछ टाइम आपको सोशल मीडिया के लिए भी देना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया ही आपको हर चीज के बारे में अवेयर करता है। अगर आप अपनी पढ़ाई की बात करें, तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर आपको कई सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, यूट्यूब पे कई सारी आपको वीडियोज मिलती है, इवन मेरी वीडियो भी आप ये यूट्यूब पे ही देखने वाले हो। ठीक है जी, तो टाइम आपको देना है कि किस टाइप से हम टाइम एलोकेट करें। अपने फ्री टाइम में इन चीजों को करना है, अपने पढ़ाई के टाइम में इन चीजों को नहीं करना, फ्री टाइम में। अगर पढ़ाई हो गई है तब ये चीजें करनी है, लेकिन इन चीजों को प्रायोरिटी देके पढ़ाई सेकंड प्रायोरिटी दोगे तो वो बहुत गलत है। स्टडीज इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद आपको ये सब चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ओके। दूसरा कारण क्या बनता है सर? हमने पढ़ाई तो करी, वी हैव स्टडीड, लेकिन फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। ऐसा क्यों? हम सीरियस भी थे, मेहनत भी बहुत करी, लेकिन फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। उसमें क्या दिक्कत आती है? आपने जो पढ़ाई करी, क्या आपने आईसीएआई के मटेरियल को रेफर किया? हाँ जी, क्या
क्या आपने आईसीएआई के मटेरियल को रेफर किया? सर हमने तो अपने जो कोचिंग सेंटर थी उसकी बुक को रेफर किया, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोचिंग सेंटर की बुक को रेफर कीजिए, पर ये चेक कर लीजिए कि क्या आपके कोचिंग सेंटर की बुक में आईसीएआई का मटेरियल कवर्ड है या नहीं है। अगर तो कवर्ड है गुड है, अगर कवर्ड नहीं है तो आपको सर आईसीएआई का मटेरियल को करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरी है आईसीएआई के मटेरियल को करना। प्लस आईसीएआई के स्टडी मैट के अलावा आईसीएआई की आरटीपीज एटलीस्ट 3 से 4 अटेम्प्ट की आपको आरटीपीज देखनी है। मॉक टेस्ट पेपर देता आईसीआई, तो आपके अटेम्प्ट से पहले 2 मॉक टेस्ट पेपर आते हैं, वो मॉक टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करने हैं। पास्ट एग्जाम एटलीस्ट 2 से 3 पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। ये सब अगर आपकी कवरेज हो रही है, ये अगर आपकी कवरेज हो रही है अपनी पढ़ाई के साथ साथ, तो सर 100% पास हो गए, कोई नहीं रोक सकता, यू विल पास 100%। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये सब आपकी कवरेज थी या नहीं थी। ठीक है जी, अगली बात आती है सर हमने पढ़ाई करी और हमने सर ये सब चीजें भी कर दी, आईसीए की स्टडीज को, आईसीए के मटेरियल को भी पूरा ध्यान दिया, आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर पास एग्जाम क्वेश्चन ये सब चीजें करी, फिर भी हम फेल हो गए। सर दिस इज प्योर बैड लक, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये बैड लक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जिसने पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं करी उसका भी मैं कुछ नहीं कर सकता, और सर ये वाली चीज का भी मैं कुछ नहीं कर सकता, प्योर बैड लक। इसमें जनरली बच्चे होंगे 1 से 2%, ज्यादा बच्चे नहीं होते यहाँ पर। इस वाले क्राइटेरिया में बच्चे होंगे कम से कम 15 से 20%, और जो बाकी कुछ बाकी बच्चे बचे 50-60%, वो सर जाते हैं पहली कैटेगरी में, पढ़ते हैं लेकिन सीरियस नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन सिंसियर नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके क्या कारण थे फेल होने के। जो रिपीटर्स है वो खासकर इस चीज पे ध्यान दे, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं वो भी ये चीज ध्यान दे कि ये गलतियां आपकी ना हो, अगर हो रही है तो इन चीजों को दूर कर दीजिएगा अभी, 2 महीने है अभी भी आपके पास। सर 2 महीने बहुत कम टाइम भी नहीं है, और मैं ये भी कह सकता हूँ 2 महीने बहुत ज्यादा भी नहीं है, हमें इन 2 महीनों को अच्छे से मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है सर, आइए आपके जो एग्जाम शुरू हो रहे हैं सर 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके सर, 2 नवंबर को आपका पहला पेपर है, दैट इज योर अकाउंट्स का पेपर है, जिसका सर ग्रुप 1 क्लियर हो गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं है उनको। उनके ग्रुप 2 के एग्जाम शुरू होंगे तो वो अकॉर्डिंगली अपने प्लान को कस्टमाइज कर लीजिएगा। देखिए मैंने पहले भी बताया दिस वीडियो जो बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं बोथ ग्रुप्स के हिसाब से ही अपने माइंड को मेकअप करके वीडियो बना रहा हूँ। जिनका एक ग्रुप है, सिंगल ग्रुप है, या फिर उनका फर्स्ट क्लियर हो चुका है, सेकंड ग्रुप है, तो वो अपने प्लान को कस्टमाइज कर लीजिएगा, क्योंकि उनके लिए सर ऑटोमेटिकली टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है जी, आइए अब अगर देखा जाए फ्रॉम 1 सितंबर, 1 सितंबर ऑनवर्ड्स आपके पास रफली जो डेज बनते हैं वो कितने बनते हैं, आपको अपने कोर्स को सर 16 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है। सर है 16 अक्टूबर तक? बिल्कुल सर, 16 अक्टूबर तक आपको अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। सर ये 16 अक्टूबर का क्या क्राइटेरिया है, देखिए जी पहले तो मुझे ये बताइए 1 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आपके पास कितने दिन है, 30 दिन सितंबर के, 16 दिन अक्टूबर के, तो ये आपके 46 डेज बनते हैं। और इफेक्टिवली आपके पास सब्जेक्ट्स कितने हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास पर सब्जेक्ट कितने दिन बचते हैं? हाँ जी, पर सब्जेक्ट सर मोटा मोटा 6 दिन, 6 डेज, 5 to 6 डेज पर सब्जेक्ट। सर 5 से 6 दिन पर सब्जेक्ट आपके पास है। अब बात आती है सर 5 से 6 दिन में हमें क्या पूरा पूरा एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है? जी नहीं, 2 सब्जेक्ट उठाइए, स्टार्ट कीजिएगा सर 2 सब्जेक्ट्स पर डे, 2 सब्जेक्ट आपको एक दिन में उठाकर चलने हैं। अब वो 2 सब्जेक्ट कौन से होंगे सर, 1 मिनट, हाँ जी 2 सब्जेक्ट जो आपको उठाने हैं वो आप वो सब्जेक्ट उठा सकते हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। स्टार्टिंग आप कीजिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पहले उठाइए जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कुछ बच्चों को लगता है सर मैं EIS SM में मेरे को दिक्कत होती है, कुछ बच्चों को लगता है मुझे सर ऑडिट में दिक्कत होती है, कुछ बच्चों को लगता है मुझे अकाउंट्स में दिक्कत होती है, कुछ को लगता है मुझे कॉस्ट में दिक्कत होती है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि हमें किस में दिक्कत होती है। तो जिस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत सबसे ज्यादा है उस सब्जेक्ट को पहले उठा लीजिए, और वो वाला सब्जेक्ट आपको डेली करना है। क्या करना है जी, डेली करना है। है सर? यस। अगर मान के चलिए आपको ऑडिट पे प्रॉब्लम है तो ऑडिट का सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ना है फॉर 2 आवर्स, हाँ जी 2 घंटे डेली आपको ऑडिट पढ़ना है। बात समझ में आ रही है सर?
वो सब्जेक्ट जिसमें आपको डर लग रहा है या जिसमें आपको दिक्कत हो रही है या जो रिपीटर बच्चा है जिसको पिछले अटेम्प्ट में जिस सब्जेक्ट ने सबसे ज्यादा परेशान किया था वो वाला सब्जेक्ट आप उठा सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा भी उसको भी पढ़ के पता लग गया होगा कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, तो वो सब्जेक्ट आपको डेली स्टडी करना है। ठीक है जी, बींग वो ऑडिट हो, बींग वो EIS हो, बींग वो अकाउंट्स हो, टैक्स हो, कॉस्ट हो, लॉ हो, FME को हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, वो सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ना है। ठीक है जी, हाँ जी। उसके बाद आपको इसके साथ एक सब्जेक्ट रखना है जो आप पूरे दिन में स्टडी करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपने 1 सितंबर से शुरू किया तो यहां से अगर आप 5-6 दिन लगाए तो बनते हैं डेज सर 6 सितंबर। तो 6 सितंबर तक का आप टारगेट रखिए कि मुझे अकाउंट्स ग्रुप 1 वाला ये कंप्लीट कर लेना है, मुझे ग्रुप 1 अकाउंट्स कंप्लीट कर लेना है, और साथ साथ मुझे ऑडिट 2 आवर्स तक लगा के चलने हैं। समझ में आ रही है बात? अकाउंट्स ग्रुप 1 कंप्लीट कर लेना है, देन ऑडिट मेरे को 2-2 घंटे, हर रोज 2-2 घंटे मेरे को ऑडिट पढ़ना है। फिर उसके बाद 7 सितंबर से अगेन आप 5 दिन लगाइए, मोटा मोटा 12 सितंबर इसमें आप उठा लीजिए कि मुझे टैक्स पढ़ना है, ग्रुप 1 में जो टैक्स है वो कंप्लीट कर लेना है, एंड साथ साथ मुझे ऑडिट अगेन 2 आवर्स पढ़ना है। ठीक है सर, उसके बाद आप उठाइए कोई भी सब्जेक्ट अपना 12 के बाद, 13 सितंबर से 18 सितंबर तक फिर आप उठा सकते हैं, मेरे को लॉ पढ़ना है और साथ साथ मेरे को ऑडिट करके चलना है। फिर जो आपका डे बचेगा दैट इज 19 सितंबर से 24 सितंबर तक, फिर आप उठा लीजिए मेरे को अपना कॉस्ट पढ़ना है और साथ में ऑडिट आपका चल ही रहा है। ठीक है जी, फिर उसके बाद आप 25 सितंबर से, कितने दिन हो गए, 30 सितंबर तक आप उठा लीजिए, कौन सा सब्जेक्ट बचा आपका, यहाँ पर आ गया आपका एडवांस अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स उठा लीजिए और साथ साथ आप सोचिए मेरे को ऑडिट डेली पढ़ना है। उसके बाद आपका 1 अक्टूबर से, जो भी आपके डेज बनेंगे मैं आपको रफली बता रहा हूँ, उसके बाद आपको 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर का जो आपका डे बचेगा यहाँ पर आप क्या उठा लीजिए, यहाँ पर आप उठाएंगे अपना EIS SM उठा लीजिए, फिर मेरे को ऑडिट पढ़ना है। उसके बाद 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आप क्या उठा लीजिए, जो आपका FME/ECO बचा, और साथ साथ ऑडिट आपको डेली पढ़ना है। देखिए जी, इससे हो क्या रहा है, ये जो आपने प्लान बनाया है इससे हो क्या रहा है, इससे अगर मैं हर सब्जेक्ट की बात करूं तो आपने उसको 5 दिन 8 घंटे यानी कि 40 आवर्स आपने एक सब्जेक्ट को दे दिए, और ऑडिट आपने डेली क्या किया, ऑडिट आपने डेली 2 घंटे पढ़ा। तो 2 घंटे अगर आपने ऑडिट पढ़ा तो आपके पास कितने दिन थे, 1 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक, ये आपके पास थे सर 45 डेज। तो 90 आवर्स की स्टडी तो आपने ऑडिट की दे दी। देखिए इस सब्जेक्ट में परफेक्शन आएगी नहीं आएगी बताइए जी, जब आप 90 आवर्स ऑडिट पढ़ चुके होंगे तो आपकी ऑडिट में परफेक्शन आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल सर आ जाएगी। ये आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, अगर आपको EIS में दिक्कत होती है EIS रख सकते हैं, अगर आपको अकाउंट्स में दिक्कत होती है अकाउंट्स में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ना है। अब बात आती है सर, आपने 16 अक्टूबर बोला था और हम कहां पहुंच गए, 12 अक्टूबर, अभी भी आपके पास 13, 14, 15, 16, 4 दिन बचे हुए हैं। इन 4 डेज में आपको क्या करना है, ये जो आपने सब्जेक्ट्स उठाए अकाउंट्स, टैक्स, लॉ, कॉस्ट, एडवांस अकाउंट्स, EIS SM, FME को, इनका जितना भी पोर्शन आपका बचा हुआ है, बैलेंस पोर्शन जो होगा आपका, वो आपको यहां पर कवर कर लेना है। देखिए कुछ सब्जेक्ट का तो हो सकता है आप 5 दिन में पूरा कंप्लीट कर ले, लेकिन कुछ सब्जेक्ट लेंदी भी होते हैं जिसको आप 5 दिन में कवर ना कर पाए। जैसे कि अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जनरली, जैसे टैक्स हो गया आपका, अकाउंट्स ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 वाला अकाउंट्स इजी होता है वो हो जाता है जल्दी, ग्रुप 1 का अकाउंट्स हो गया, अकाउंट्स हो गया अपना, टैक्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, इनमें आपके कुछ कुछ पोर्शन रह जाएंगे। तो सर वो कुछ कुछ पोर्शन जो आपके रह गए हैं उसको आपको इन 4 डेज में कंप्लीट कर लेना है, ये आपको 4 डेज यहां पर यूटिलाइज करने पड़ेंगे। आई बात समझ में? तो मैंने आपको क्या बताया सर, आपको 12 आवर्स की स्टडी देनी है। अभी बताता हूँ 12 आवर्स कैसे निकालोगे, 12 घंटे की स्टडी तो आपको देनी पड़ेगी, 12 से 14 घंटे की, 12 to 14 आवर्स। अगर आप इन 2 महीने में भी 12 से 14 आवर्स की स्टडी नहीं देंगे तो सर फायदा नहीं है, फिर फायदा नहीं है। तो 12 to 14 आवर्स यू हैव टू डिवोट योर डे टू कंप्लीट योर कोर्स इन इफेक्टिव एंड एफिशियंट मैनर। बताइए जी, बात समझ में आती है यहां तक? हाँ जी, चलिए अब पहुंच गए हम कहां पर, 16 अक्टूबर को। अब देखिए 16 अक्टूबर के बाद आपको क्या करना है, 16 अक्टूबर के बाद अपने आपको, ये जी 16 अक्टूबर के बाद फिर आप अपने आपको क्या करेंगे, पेपर के लिए तैयार करेंगे। हाँ जी,
पेपर के लिए तैयार करेंगे। आपका जो पेपर है वो है 2 नवंबर को, तो आपको 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर, ये दो दिन, एक मिनट, ये जो दो दिन है ये तो आपको फुल फ्लेज किसके लिए रख रहे हैं, ये दो दिन आपको अकाउंट्स के लिए रखना है, क्योंकि यहाँ तो आप अकाउंट्स ही पढ़ रहे होंगे। 31 और 1 तारीख को तो आप कोई और सब्जेक्ट उठा ही नहीं सकते, आपको अकाउंट्स ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पहला पेपर है, ठीक है जी। तो 16 अक्टूबर से लेकर 30th अक्टूबर तक यहां पर आप क्या दिन रखेंगे, यहां पर आप रखेंगे अपने पेपर के डेज। सर पेपर के डेज, बिल्कुल सर, अपना एक पेपर का शेड्यूल बना लीजिएगा कि सर 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को मुझे पेपर नंबर 1 देना है, फिर 16 के बाद एक एक दिन का गैप देती जाइए, 18 अक्टूबर, 18 के बाद 20 अक्टूबर, 20 के बाद 22 अक्टूबर, 22 के बाद 23 अक्टूबर, 23 फिर सॉरी 24 हो गया ये, 24 के बाद आपका 26, 26 के बाद 28 एंड 28 के बाद 30 अक्टूबर, ये बन गया आपके 8 पेपर के दिन। ये 8 दिन आपको क्या करना है, ये 8 दिन आपको फुल फ्लैज पेपर करना है। ऐसा मान के चलना है कि आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे, क्योंकि दिस इज योर प्रैक्टिस फॉर फाइनल प्रिपरेशन। जो आपकी फाइनल प्रिपरेशन होगी उसकी एक तरीके से प्रैक्टिस होगी। देखिए जब क्रिकेटर होता है, एक क्रिकेटर जब भी अपना मैच खेलने जाता है, जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ रिसेंटली, तो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले क्या होते थे सर, प्रैक्टिस मैच होते थे। प्रैक्टिस मैच किस लिए किए जाते हैं, चेक करने के लिए किए जाते हैं कि मेन एग्जामिनेशन में या मेन मैच में, मेन पिच पे प्लेयर कैसा परफॉर्म करेंगे। सेम यहां पर आपको क्या करना है, अपने पेपर्स का ट्रायल देना है, ताकि आप बाद में आपको कोई भी चीज न्यू ना लगे, बाद में आपको कोई भी चीज न्यू ना लगे। तो 16 अक्टूबर को आप अपना पहला पेपर रखिएगा, और 16 अक्टूबर को ध्यान रखिएगा आप कौन सा पेपर रखेंगे। देखिए आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो जो आपने यहां पर लास्ट सब्जेक्ट कंप्लीट किया होगा, हाँ जी, जो भी आप 4 पोर्शन में जो भी आप, वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिएगा, जो भी आप लास्ट सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे उस पेपर को आप 16 अक्टूबर का पेपर बना के चलिएगा। अगर मान के चलिए आपने FMN ECO सबसे एंड में कंप्लीट किया है, तो FMN ECO का आपको 16 अक्टूबर को पेपर देना है, 3 आवर्स टाइम बाउंड होके, और सेम एग्जाम टाइम पे जो आपका 2 से 5 का एग्जाम होता है, सेम उसी टाइम में आपको एग्जाम लाइक सिचुएशन में अपने आपको तैयार करके चलना है। बात समझ में आती है, ठीक है जी सर। उसके बाद अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान बना सकते हैं, यहाँ आप लॉ लिख लीजिए, कॉस्ट लिख लीजिए, वो आप अपने हिसाब से जैसा भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप प्लान बना के चलिएगा, और उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करके चलनी है। आती है बात समझ में। ये मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, अपना मॉक टेस्ट दीजिए, किसी से चेक मत कराइए सर, खुद ही इसको इवेल्युएट कर लीजिए। ICAI के मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं, उनमें से कोई भी मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम लाइक सिचुएशन में। आंसर की भी आपके पास अवेलेबल होती है, अपने आंसर की को उससे टैली करके अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। देखिए जब तक आप खुद अपनी परफॉर्मेंस चेक नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी करेक्शन नहीं कर सकते। जब आपके सामने खुद की गलतियां निकलेंगी, तब आप अपनी करेक्शन करेंगे। और जनरली बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है सर, प्रैक्टिकल पेपर तो लिख लेते हैं लेकिन थ्योरी पेपर नहीं लिखते, तो आपको थ्योरी पेपर भी लिखने हैं। सारे पेपर आपको एक एक बार 3 घंटे में सॉल्व करके देखने हैं, इससे आपका हाथ भी बैठेगा, आपका जो अंदर का डर होता है एग्जाम का वो भी दूर हो जाएगा, और आप एग्जाम सिचुएशन को अपना फेस भी कर पाओगे। आती है बात समझ में, हाँ जी बताइए जी, ठीक है सर। अब बात आती है सर, ये जो 12 घंटे हैं, ये 12 घंटे हम कैसे निकालेंगे, 12 to 14 hours की जो मैं बात कर रहा हूं, जो आपको स्टडी चाहिए, ये मैं कैसे निकालूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखिए आपके पूरे दिन में होते हैं 24 hours, इसमें अगर आप 7 घंटे भी सोते हैं, देखिए 7 से 8 घंटे ज्यादा सोना तो सर अब इतना टाइम नहीं है कि आप 8-8, 10-10 घंटे सो, जितना सो लिए थे सो लिए, एग्जाम के बाद सो जाना 8-8, 12-12 घंटे, कोई नहीं पूछ रहा। 7 घंटे भी आपको सिर्फ मैक्सिमम इतना सोना है। अब ये क्या 7 घंटे एट अ स्ट्रेच सोए या बीच में 2 इंटरवल में सोए, ये सर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि मैं 7 घंटे एट अ स्ट्रेच होकर फ्रेश हो जाता हूँ तो ऐसा सो लीजिए, लेकिन अगर किसी को लगता है कि सर मैं 6 घंटे सो जाऊंगा फिर मैं 1 घंटा और बीच में सो जाऊंगा, तो उस हिसाब से कर लीजिए। मैं कैसे करता था, मैं सोता था सर 6 घंटे, अगर मैं 12 बजे सोया रात को तो सुबह 6 बजे उठता था, और उसके बाद मैं दिन में 1 घंटा और सोता था, उससे मैं फ्रेश होता था जल्दी। लेकिन वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि मैं 6-7 घंटे एक ही स्ट्रेच में सो जाऊं उसके बाद पूरे दिन में मेरे को नींद नहीं आएगी, तो वो भी अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसको प्लान कर सकते हैं। अब बचे कितने आपके पास, 17 आवर्स। 17 आवर्स में से अगर मैं 3 से 4 घंटे निकाल दूं तो कितने बचेंगे आपके पास, 13 to 14 hours। ये आपका स्टडी टाइम, दिस इज योर स्टडी टाइम। ये 3 से 4 घंटे क्या है, ये सर होते हैं अनप्रोडक्टिव आवर्स, इनको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव टाइम।
जो कि आपका वेस्ट होगा ही होगा, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे नाना धोना, खाना पीना, घूमना जाना, मार्केट जाना, कभी मम्मी ने बोल दिया सामान ला दो, पापा ने बोल दिया सामान ला दो, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कुछ आ गया है, किसी से फोन पे बात कर ली है, या अपना जो भी है एक्स वाई जेड, ये अनप्रोडक्टिव आंसर होंगे ही होंगे, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे ऑडिट में आपने पढ़ा होगा ना, इनहेरेंट लिमिटेशंस टू ऑडिट, कि ऑडिटर कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो बट कैन मिनिमाइज इट टू द मैक्सिमम पॉसिबल लेवल। ऑडिट रिस्क क्या होता है? जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वो मिनिमाइज किया जा सकता है। सिमिलरली ये जो अनप्रोडक्टिव आ रहा है सर, ये खत्म नहीं हो सकते, ये जीरो नहीं हो सकते, लेकिन आप इसको अवॉइड कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, लेकिन सर फिर भी इतने तो होंगे ही होंगे। 13 to 14 hours की आपकी इफेक्टिव स्टडी बनेगी जो आप कर सकते हो। फिर भी मैंने आपको बोला है 12 to 14 hours, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी 1 घंटा एक्स्ट्रा सो गए हम गलती से, या कभी कभी क्या होता है कि सर में दर्द हो रहा है, 1 घंटा एक्स्ट्रा सो गए, या एक्स वाई जेड जो भी प्रॉब्लम होती है तो उसको आप मैनेज कर दीजिएगा, वो सब एक्सेप्टेबल है। लेकिन 12 घंटे से अगर आप कम पढ़ रहे हो तो दिक्कत है, 12 घंटे तो आपको देने ही पड़ेंगे। क्लियर है बच्चों? हाँ जी। अब 12 घंटे का स्केड्यूल क्या रहना चाहिए? स्केड्यूल सर अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपको फॉलो ना कर पाओ, आप अपना स्केड्यूल खुद बनाइए। अगर किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो वो रात में पढ़िए, किसी को अर्ली मॉर्निंग पढ़ना अच्छा लगता है तो वो अर्ली मॉर्निंग पढ़िए। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से सर अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइम होता है। देखिए सर, रीजन बिंग, एक तो अर्ली मॉर्निंग, एक दिक्कत क्या रहती है अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठने की दिक्कत होती है, क्योंकि सर नींद एक ऐसी चीज है जिसको हम चाहकर भी नहीं छोड़ सकते, सुबह उठने में दिक्कत रहती है। और नाइट में क्या होता है, नाइट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, अपना जगह है तो जग जाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सर एक चीज ध्यान रखिएगा, नाइट में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती है, सुबह डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। नाइट में आपको व्हाट्सएप फेसबुक पे ऑनलाइन लोग मिल जाएंगे, लेकिन सुबह सुबह आपको व्हाट्सएप फेसबुक पे कोई भी ऑनलाइन नहीं मिलेगा। तीसरी चीज, नाइट में एक बार अगर आप सो गए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, नाइट में अगर एक बार अगर आप सो गए तो सर अगले दिन ही सुबह जाके उठोगे। समझ पा रही है बात? अगर गलती से भी आपने 12 बजे पढ़ना शुरू किया रात को और 2 2:30 बजे आपकी नींद लग गई, तो सर ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे में उठ जाओगे, नहीं, फिर आप अगले दिन सुबह 6 7 बजे ही उठोगे, तो वो 3 4 घंटे आपके वेस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में ऐसी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ठीक है, अगर आप 5 बजे उठे पढ़ने, 6 बजे उठे पढ़ने, 2 घंटे पढ़े 8 बजे और आपको बहुत तेज नींद आई 8 बजे, तो 8 बजे अगर आप सो भी गए तो कोई ना कोई आपको 9 बजे उठा देगा, लेकिन रात को थोड़ी ना कोई उठ के आएगा उठाने आपको। समझ पा रहे हो बात? अलार्म रात को नहीं सुनाई देते, सुबह सुबह सुनाई दे जाएंगे, सुबह सुबह शोर शराबा इतना होता है जिस टाइम पे आपको सुनाई दे जाएंगे। बात समझ में आती है? हाँ जी। ओके, अब जो आपके टाइमिंग्स रहने चाहिए वो मेरे हिसाब से पहली सेटिंग आप 6 से 9 की दो। देखिए 3 आवर्स का आपको स्लॉट देना पड़ेगा, जो मैंने आपको 12 घंटे बताए थे, 12 घंटे को कैसे आपको डिवाइड करना है, 8 घंटे और 2 घंटे। 2 घंटे आपका वो सब्जेक्ट रहेगा जो आपका वीक सब्जेक्ट है, जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, और 8 घंटे आपको मेन सब्जेक्ट पढ़ के चलना है। ठीक है, अब इस 8 घंटे को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? इस 8 घंटे ए आप चाहो तो 3 स्लॉट डिवाइड कर लो। 3 स्लॉट कैसे? 3 घंटे का एक स्लॉट, 3 घंटे का एक स्लॉट, 2 घंटे का एक स्लॉट, वो आप डिवाइड कर सकते हो। तो 6 से 9 का एक स्लॉट दे दीजिए, फिर 1 घंटे का गैप देके 10 से 1 का एक स्लॉट दे दीजिए, फिर 1 घंटे का गैप देके फिर आप 2 घंटे का एक स्लॉट दे दीजिए, 3 से 5 का एक स्लॉट दे दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जब आपने यहां पर पढ़ाई कर ली है, देखिए कितने आज की पढ़ाई हो गई, 8 घंटे की पढ़ाई हो गया, फिर आप 1 2 घंटे का गैप देके 2 घंटे का और एक स्लॉट दे सकते हैं, और भी आपके पास टाइम बचेगा, आप और ज्यादा दे सकते हैं। समझ पा रहे हैं मेरे? हाँ जी सर। तो इस हिसाब से आप अपने डे को प्लान करके चलेंगे। ठीक है सर। दूसरी चीज, आफ्टरनून में सर 1 आवर का आपको रेस्ट जरूरी है, 1 घंटे आपको रेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन 1 आवर का रेस्ट तब होगा जब आप आफ्टरनून में कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटे पढ़ चुके होंगे, उसके बाद आप 1 घंटे का रेस्ट देंगे। कैसे देंगे सर? अपना लंच किया, लंच करने के बाद आपको 15 मिनट में कोशिश करिएगा अपना लंच ओवर करने की, और 45 मिनट्स का आपको शॉर्ट नैप लेना है, 45 मिनट्स का आपको शॉर्ट नैप लेना है। सर नींद नहीं आती आफ्टरनून में, सर मोबाइल यूज नहीं करना, यहाँ पर से नो टू मोबाइल। इस 45 मिनट्स में अगर आपने मोबाइल यूज किया तो क्या होगा, आपका एक तो सर में दर्द होगा, आईज में पेन होगा, डिस्ट्रैक्शन होगी अगेन। ठीक है, तो ये 45 मिनट्स में आपको मोबाइल यूज नहीं करना, आपको शॉर्ट नैप ले रहे हैं। तो अगर आप नहीं भी सो पा रहे तो सर आईज क्लोज कीजिए, मोबाइल पे स्लो वॉइस में हेडफोन्स लगाइए, और एक म्यूजिक होता है जिसे बोलते हैं बाइनोरियल बीट्स, जिसे कॉन्सेंट्रेशन भी तेज होती है और माइंड शांत भी होता है।
तो ये वाली बीट्स अपने कान में लगाइए और स्लो म्यूजिक पे इसको आराम आराम से सुनते चली जाइए, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे भले ही आपकी बॉडी नहीं सोई लेकिन आपका माइंड सो जाएगा, और एक बार आपका माइंड सो गया तो हमें बॉडी नहीं सुनानी, हमें माइंड ही सुनाना है, ताकि हम दोबारा जब उठे 45 मिनट्स में तो हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होके उठे, ठीक है जी। ओके, रात को जब आप डिनर करेंगे तो सर डिनर आपको लाइट लेना है, ज्यादा हैवी डिनर नहीं करना। डिनर के बाद सर एक वॉक मैंडेटरी है, 20 मिनट्स की 25 मिनट्स की आपको एक वॉक जरूर करनी है। कोई देखो जिम विम नहीं करना इस टाइम पे, 2 महीने की बात है, एग्जाम के बाद कर लेना जिम वगैरह, कोई आपको कोई जूम्बा जिम अपना कोई भी ऐसी कार्डियो कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आपको वॉक करनी है। मॉर्निंग वॉक करना चाहे मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, लेकिन नाइट वॉक ज्यादा अच्छी रहती है। नाइट वॉक के बेनिफिट क्या है सर, डिनर करोगे एक तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा आपका डिनर, दूसरी चीज इस नाइट वॉक में आप जाइए सर अकेले, अकेले यस अकेले जाना है आपको, किसी को नहीं लेके जाना है, इवन अपने फैमिली मेंबर को भी नहीं लेके जाना, इसमें आपको जाना है बिल्कुल अकेले। और क्या करना है सर, 20-25 मिनट जो कि आप वॉक करेंगे इसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रिवाइज करना है, इसे बोलते हैं माइंड रिविजन, अपने माइंड में आपको कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है। जैसे आपने कोई लॉ पढ़ा तो लॉ के सेक्शंस को पढ़ अपना वॉक करते करते माइंड में क्या करिए, रिवाइज करते चलिए। इससे क्या होगा सर, आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी, आपकी जो चीजों को रिटेन करने की बात होती है, जो कहते हैं ना सर सेक्शन याद नहीं होते, एएस नंबर याद नहीं होते, एसए के नंबर याद नहीं होते, टैक्सेशन के प्रोविजन याद नहीं होते, सर जितना रिटेन करेंगे सॉरी जितना रिवाइज करेंगे, कंटिन्यूअस रिवाइज करेंगे, उतना आपको चीजें रिटेन हो जाएंगी, ठीक है। तो जो भी आप पढ़िएगा तो उसको उस 20 पर कि आप पूरे दिन में क्या पढ़ गए, उस 20-25 मिनट में उसको फटाफट 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 क्विकली रिवाइज करिए, ठीक है। और वापसी आने के बाद सर 30 मिनट्स आपको अपने आप को देने पड़ेंगे, अपने आप को 30 मिनट्स देने पड़ेंगे। इस अपने आप को 30 मिनट्स का मतलब क्या हुआ, इस 30 मिनट्स में आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी फॉर नेक्स्ट डे, अगले दिन की आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको अगला दिन कैसे करना है, कि भाई जो आपने आज पढ़ा अगले दिन आपको क्या करना है। अगर आपके आपने टारगेट लगाया था कि भाई मेरे को आज जो भी आपने टारगेट लगाया कि मेरे को 5 चैप्टर्स कवर कर लेने हैं, और अगर आपके सर 4 चैप्टर्स हुआ है तो सर इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि कोई बुरी बात है, ठीक है, एफिशिएंसी पर्सन टू पर्सन होती है। अगर आपके 4 चैप्टर भी हुआ है तो सर कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कीजिए, आप अगले चैप्टर को जो आपका एक चैप्टर बच गया तो उसको अगले दिन सबसे पहले उठाइए, उसको सबसे पहले कवर करने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा सा स्पीड फास्ट करके, ठीक है सर। क्योंकि अगर आपने 5 चैप्टर का टारगेट बनाया है और आपने करे हैं 4 चैप्टर, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी स्पीड स्लो है, तो उस स्पीड को आप अकॉर्डिंगली फास्ट कीजिए और कोशिश करिए आप उस हिसाब से अपनी कवरेज पूरी कर पाए। आ रही है बात समझ में? हाँ जी, चलिए जी। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है सर, जब भी आप पढ़ेंगे, हाँ जी, जब भी आप पढ़ेंगे जिस भी आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो सर एक आपको उस सब्जेक्ट की चेकलिस्ट बनानी है, दिस इज वेरी हेल्पफुल, ये चेकलिस्ट आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अकाउंट्स ग्रुप 1 की बात करूं, तो ग्रुप 1 की अकाउंट्स की आप एक चेकलिस्ट बनाइए, ये आपने चेकलिस्ट बनाई, ठीक है, यहां पर आपने कोर्स लिखा अपना, देखिए ये आपकी एक चेकलिस्ट होगी, यहां पर आपने क्या लिखा, यहां पर आपने चैप्टर के नाम लिखे कि चैप्टर कौन कौन से हैं, और यहां पर आपको लिखना है कि कवरेज क्या मेरे को कवर करके चलना है। सबसे पहले आपने देखा कि मेरे को अपने अपना कोचिंग वाली बुक करनी है, अगर कोचिंग वाली बुक में सर स्टडी मैट कवर है तो बढ़िया है, नहीं तो स्टडी मैट अलग से करना पड़ेगा, स्टडी मैट को अवॉइड मत कीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ स्टडी मैट को अवॉइड मत कीजिएगा। कोचिंग की बुक आपने कवर करी इफ स्टडी मैट इज कवर्ड, अगर स्टडी मैट कवर नहीं है तो स्टडी मैट को आपको अलग से लिखना पड़ेगा। फिर आपने आरटीपी करी, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टडी मैट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी जो बुक देता हूँ उसमें स्टडी मैट पूरा 100% कवर करता हूँ। आरटीपी आपने करी, 2 अटेम्प्ट की अगर आरटीपी देख रहे हैं तो आरटीपी May 19, आरटीपी November 19। फिर आपने देखा कि सजेस्टेड आंसर्स करे आपने, 2 अटेम्प्ट्स के आपने सजेस्टेड आंसर करे, फिर आपने मॉक टेस्ट पेपर करे, ये आपको एक चेकलिस्ट ही तैयार करके चलनी है, और यहाँ पर आपको चैप्टर के नाम लिखना है कि आप कौन कौन से चैप्टर से शुरुआत कर रहे हो। सर स्मार्ट स्टडी करेगा करिएगा, ऐसा नहीं सर, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें से एग्जाम, जो बड़े बड़े चैप्टर तो होते हैं लेकिन एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछे जाते, तो आपको वो चैप्टर उठाने हैं जो सर सबसे पहले जो इजी भी है और जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे अगर मैं ग्रुप 1 अकाउंट्स की बात करूं तो सर चैप्टर बनते हैं लाइक इंश्योरेंस क्लेम, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ये सर ये इस टाइप के चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर बहुत आसान है, छोटे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हायर परचेज, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन कुछ लेंथी चैप्टर है लाइक डिसोल्यूशन,
ब्रांच अकाउंटिंग, अगर आप यहां से ही शुरुआत कर लेंगे तो सर होगा क्या, आप इन्हीं चैप्टर्स में लगे रह जाएंगे, आप छोटे छोटे चैप्टर को स्किप कर देंगे। बीच बीच में आपको सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी करने हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी बीच में रखिए, AS 10, AS 11, AS 2, AS 4, 5, तो सर ये आपको इस हिसाब से कवर करके चलना है। और चेकलिस्ट का क्या यूज रहेगा, जैसे आपने इंश्योरेंस क्लेम उठाया तो सॉरी इंश्योरेंस क्लेम आपने उठाया तो चेक कीजिए कि मैंने कोचिंग के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, ठीक है सर। आरटीबी कवर कर लिया, ओके सर, आरटीबी दोनों कवर हो गए, सजेस्टेड आंसर कवर हो गए, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। अगर आपकी कोई चीज रह जाती है तो बाद में जब आप एंड में चेकलिस्ट उठाएंगे तो आपको याद रहेगा कि मेरे को इस चैप्टर में यहां से मेरा क्वेश्चन अभी रह गया, तो वो आप कवर कर लेंगे। इससे क्या होगा सर, आपकी कंप्लीट कवरेज हो जाएगी, कुछ भी आपका रहेगा नहीं, सब कुछ आपने कवर कर लिया। बात समझ में आ रही है सर, इस हिसाब से आप अपने करके चलेंगे। तो हुआ क्या, जब आप 4-5 चैप्टर कर लोगे आपको लिखेगा कि दिखेगा कि सारी चेकलिस्ट में आपके टिक टिक लगे हुए हैं, तो इससे होता क्या है, इससे आपका सर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, आपको अच्छा लगेगा देख के कि सर मेरी इतनी कवरेज हो गई है, फिर आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगी। एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम सर अच्छे तरीके से जब हम पढ़ाई करते हैं, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में अगर हम पढ़ाई करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव रहती है, रादर देन अगर हम अनऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को फैला देंगे, फैला तो देते हैं चीजों को लेकिन वो फिर समेटने में नहीं आती सर, वो चीजें बेकार है, ठीक है सर। हाँ जी, तो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर। बताइए सर, यहां तक की बातें क्लियर होती है, ओके सर। उसके बाद सर आपको डाइट पे भी अपनी कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, डाइट आपको कैसे ध्यान रखनी पड़ेगी सर, इन 2 मंथ्स में आपको अवॉइड करने पड़ेंगे, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो सर नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड कीजिए, रीजन बीइंग नॉन वेज फूड बुरा नहीं होता, प्रोटीन अच्छा होता है उसके अंदर, लेकिन सर वो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में, और एक बार हमारी बॉडी में अगर हीट प्रोड्यूस होती है तो हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है। तो जनरली जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होता है उनको पता है कि उनको फिजिक पे ध्यान देना है, जो फिल्म एक्टर्स वगैरह उनको अपनी फिजिक पे ध्यान देना है, तो इसलिए वो नॉनवेज वगैरह प्रेफर करते हैं, लेकिन सर आप लोगों का सारा खेल माइंड से है, आपको फिजिक पे इतना ध्यान नहीं देना, फिट रहना है लेकिन सर मेंटली फिट ज्यादा आपको रहना है, फिजिकली अगर आप पतले हैं मोटे हैं तो सर वो चल जाएगा, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका मेंटली आपको जितना फिट रहोगे उतना आपको सर फायदा मिलेगा, ठीक है सर। तो नॉन वेज फूड को अवॉइड कीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना है, लाइक राइस, ये चावल वगैरह जो होते हैं इन सब चीजों को अवॉइड कीजिएगा। रोटी, अगर चपाती, अगर आप 2 से 3 चपाती खाते हैं तो सर इसको 1.5 से 2 चपाती कर लीजिएगा, सर फिर खाएं क्या, भूखे रह जाएंगे, नहीं सर। वेजिटेबल क्वांटिटी इंक्रीज कीजिए, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह होती है सर इनको खाइए, इनकी कंटेंट को बढ़ाइए, फ्रूट सैलेड के कंटेंट को बढ़ाइए, क्योंकि ये ऐसी चीज है आप पढ़ते पढ़ते भी खा सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा, नींद भी नहीं आएगी। 1 प्लेट राजमा चावल खा लीजिए, 1 प्लेट कढ़ी चावल खा लीजिए, डेफिनेटली आपको नींद आएगी आएगी उसको खाने के बाद, ठीक है सर। तो इन चीजों को अवॉइड करना है। बाहर का तो सर बिल्कुल नहीं खाता, कि बाहर का अनहेल्दी फूड बिल्कुल भी इस समय नहीं खाना, क्योंकि एक बार अगर बीमार पड़ गए ना तो सर 4-5 दिन, 1 हफ्ता कब निकल जाएगा पता नहीं लगेगा, 4-5 दिन तो बीमारी में ही निकल गए, उसके बाद सर मोमेंटम बनाने में बहुत दिक्कत आती है, वो स्पीड बनाने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है सर। ये सब चीजों को अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद लिक्विड डाइट आपको ज्यादा से ज्यादा रखनी है, अपनी डाइट में लिक्विड चीजों को शामिल कीजिएगा सर, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, ज्यादा से ज्यादा आपको पानी पीना है, क्योंकि अभी सर ये गर्मियों का टाइम है, जब तक आपके एग्जाम शुरू होंगे 2 नवंबर, तो मौसम बहुत ठंडा नहीं होगा, बहुत गर्मी भी नहीं होगी, लेकिन एवरेज मौसम रहेगा, तो यहां पर पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आपको कंटेंट ऑफ वाटर, वाटर कंटेंट को अपने बॉडी में सबसे ज्यादा रखना है, पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साथ साथ आप अपने जूसेस वगैरह ले सकते हैं, जूस वगैरह लीजिए, कोकोनट वाटर ले सकते हैं आप, ये सब चीजें लीजिए, मिल्क अगर आपको पसंद है तो मिल्क ले सकते हैं, मिल्क में सर जो प्रोटीन देता है मिल्क में, जैसे हॉर्लिक्स वगैरह होता है, बॉर्नविटा वगैरह होता है, मुझे तो सर बहुत पसंद है अपने टाइम में, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, तो मैं बहुत पीता था ये, तो आप लोग भी ये चीज पी सकते हैं। अवॉइड टी एंड कॉफी, टी कॉफी को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये टी कॉफी सर कैफीन होती है, इससे कोई फायदा नहीं है, कहते हैं लोग सर कॉफी से नींद भाग जाती है, चाय से नींद भाग जाती है, बिल्कुल सर भाग जाती है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो चाय से नींद नहीं भागती, वो पता है नींद क्यों भागती है, गर्म होती है कोई चीज इसलिए नींद भागती है। अगर आप 1 ग्लास, अगर आपको नींद आ रही है तो 1 ग्लास गर्म पानी पी लीजिए, नींद नहीं आएगी उसके बाद, 1 ग्लास चिल्ड पानी पी लीजिए, नींद नहीं आएगी, चिल्ड पानी से पर गला खराब हो जाएगा, तो चिल्ड पानी नहीं पीना आपको। टी कॉफी की बजाय सर अगर आपको इसको रिप्लेस करना है टी कॉफी को, तो सर इसको रिप्लेस कर सकते हैं आप हेल्दी ड्रिंक लाइक ग्रीन टी से, और ग्रीन टी भी ऑर्गेनिक ग्रीन टी लेनी है, जो ये लिप्टन वगैरह की ग्रीन टी आती है, मैं सर किसी कंपनी को बेकार नहीं कह रहा, सब कंपनी आप उसमें अच्छी है, और ना किसी की प्रमोशन कर रहा, मैं तो पढ़ाई की बातें कर रहा हूँ यहाँ पर।
लिप्टन वगैरह की टी आती है सर, ये ऑर्गेनिक नहीं है, प्योर नहीं है, आपको एक ऑर्गेनिक ग्रीन टी लेनी है, ठीक है। ये आपकी हेल्दी ड्रिंक भी है, और जो आपको ये दिक्कत रहती है सर नींद अवॉइड हो जाएगी सर, इससे भी भाग जाएगी नींद, क्योंकि गर्म है, बात वही आ गई ना सर, गर्म चीज अगर आप पियोगे तो नींद भाग जाएगी। आप गर्म पानी पी लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, गर्म पानी पीजिए, जो थोड़े हेल्दी है जिनका वेट ज्यादा है तो गर्म पानी वैसे ही ऑटोमेटिकली वेट लूज करने में मदद करता है, ठीक है सर। तो ये चीज आपको करनी है, बात समझ में आती है। तो अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है सर। तो अगर मैं क्रक्स की बात करूं तो आपको सर इवनिंग वॉक जरूर करनी है, अपनी हेल्दी डाइट लेनी है, 45 मिनट्स की नैप जरूर करनी है, और जो स्केड्यूल मैंने आपको बताया पढ़ने का, उस स्केड्यूल को आपको इफेक्टिवली फॉलो करके चलना है। अगर आप वो चीज फॉलो करके चलेंगे तो सर 100% सक्सेस आपकी होगी, बात समझ में आती है। हाँ जी सर, यस। ये मेरी कुछ प्लानिंग थी, ये मेरी कुछ स्टडी टिप्स थी जो आपको बहुत हेल्प करेंगी टू क्लियर योर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। जब भी आपके एग्जाम हो, अगर आपके पास दो, वैसे तो ये 3 महीने की प्लानिंग बनती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 2 महीने बचे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 महीने में भी अगर आप थोड़े से एफर्ट्स को बढ़ाकर इस प्लान को यूज करेंगे, इस स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे, यू विल डेफिनेटली क्लियर योर एग्जाम। अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने प्लान को, लेकिन सर गाइडलाइंस ये फॉलो कर लेना, क्योंकि मैंने जो बताया ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं कड़ा करता था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, स्टडी स्केड्यूल को, कि मेरे को पहले सब्जेक्ट कौन सा उठाना है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन सर कोशिश कीजिएगा कि इसी के आसपास आप रहेंगे, क्योंकि सर अपने हिसाब से आप बना लेंगे तो शायद हो सकता है कुछ कमियां रह जाए, ये जो मैंने आपको दिया सर इसमें कमियां होने के चांसेस बहुत कम है। एक और चीज ध्यान रखिएगा सर, 100% कंटेंट, अगर आप सोचो कि मैं हर सब कुछ करके चला जाऊं तो सर वो पॉसिबल नहीं होता, कोर्स कंटेंट ही इतना ज्यादा होता है कि 100% कवरेज नहीं हो सकती सर। जितना कीजिए उतना अच्छे से कीजिए, 90% भी अगर आप करके जा रहे हैं तो सर उसमें कोई बुराई नहीं है, 90% भी आप अच्छे से कीजिए। अगर आपको लगता है कि सर हमेशा हर कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको किसी ना किसी चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में किसी ना किसी चैप्टर में दिक्कत आती है, जैसे अकाउंट्स की बात करूं तो किसी को डिसोल्यूशन में दिक्कत आती है, किसी को हायर परचेज में दिक्कत आती है, किसी को इंश्योरेंस क्लेम में दिक्कत आती है, तो सर कोई ना कोई ऐसा चैप्टर होता है जो परेशान करता है। अभी 2 महीने हैं, इन 2 महीने में उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए, अगर तो हो जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं भी हो जाए तो सर जितने हो गए हैं कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, जितना हो गया अच्छी बात है, आपके पास ऑप्शन में एग्जाम में एक क्वेश्चन छोड़ने का भी तो है, उसको यूटिलाइज कीजिए। तो अगर जितना हो गया वो बहुत बढ़िया बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना आपने कवर कर लिया उसको परफेक्ट तरीके से करके जाइएगा, उसमें फिर कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है सर। हाँ जी, और जो आपके एग्जाम के 3 घंटे रहेंगे, वो 3 घंटे आपके सर एक तरीके से बैटल फील्ड है, वो 3 घंटे, वो उस बैटल फील्ड में आपको जंग लड़नी है और जीत के आना है वहां से, वो 3 घंटे को आपको बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। जो फर्स्ट आपके 15 मिनट होते हैं एग्जाम में, वो 15 मिनट में आपको बहुत स्मार्टली खेलना है। क्या करना है आपको सर, कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 मत पढ़िएगा, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 मत पढ़िएगा, क्योंकि वो कंपलसरी है, वो तो आपको करना ही करना है। उस 15 मिनट में सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन 1 को छोड़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करके, उनको रीड करके आपको वो सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि एग्जाम करते करते फिर आपके पास टाइम नहीं होगा सिलेक्शन करने का, क्योंकि अगर आपने वो सिलेक्शन का टाइम वहां यूज किया तो सर टाइम वेस्ट होगा, पेपर छूटेगा। हमें ध्यान रखना है कि पेपर हमारा 100% कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जब मैं सुनता हूँ कि बच्चे 75% पेपर करके आए, 80% पेपर करके आए, अरे भाई तुम करके 75-80 का आ रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि मैं उसमें पास हो जाऊं, तो सर मुश्किल हो जाती है वो चीज। कोशिश कीजिएगा 100% पेपर आपका कवर हो जाए, ठीक है। तो ये 15 मिनट आपको बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, इसमें इधर उधर एनवायरमेंट को नजर नहीं मारना है सर, अपनी कहते हैं ना, समझ लीजिएगा जैसे घोड़ा होता है, एक हॉर्स होता है, और हॉर्स के यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोटेक्शन होती है, उसको ना इधर का दिख रहा है ना उधर को दिख रहा है, तो आपको भी सिर्फ अपने क्वेश्चन पेपर पे ध्यान देना है, और आपको चेक करना है पहले क्वेश्चन को स्किप करके बाकी जितने भी क्वेश्चन है उनमें से मैं सबसे पहले कौन सा, उसमें से मैं कौन सा स्किप करूंगा, पहली चीज ये। दूसरी चीज आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस डिसाइड करनी है कि मेरे को सबसे पहले कौन सा करना है। सबसे पहले हमेशा वो क्वेश्चन कीजिएगा जो आपको सबसे अच्छे से आता है, उसके बाद आप अपना ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो। तो ये 15 मिनट आपको ये करना है, ठीक है जी। ये 15 मिनट आप यूज करेंगे इस तरीके से तो आपके 15 मिनट निकल जाएंगे। फिर आप क्या कीजिएगा, आपने ऑर्डर भी डिसाइड कर लिया, ये भी डिसाइड कर लिया कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, तो उसको वहीं काटा मार दिया। फिर आप अपने क्वेश्चन को पिक कीजिए कि मेरे को ये सबसे पहले करना है, और अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, जो जो उसके मेन पॉइंट है तो सर उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा। रीड करना बहुत जरूरी है,
आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ के करोगे तो सर फायदा नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कई सारी ऐसी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो इंटर रिलेटेड होती है या हिडन एडजस्टमेंट्स होती हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है सर, आई होप ये स्टडी टिप्स आपको बहुत काम आएंगी। तो इसी के साथ ही मैं आपसे सिर्फ दो लाइन बोलूंगा कि मन में हमारे सामने मन में क्या बात आती है सर पढ़ते पढ़ते कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए लिए सर, जो बोल रहा है मुझसे नहीं होगा उसको ये दिमाग में रखना सर तुमसे ही होगा। जो बोलता है सर मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा सर तुमसे ही होगा और कोई नहीं है करने वाला। ठीक है सर, बड़े बड़े आदमी आज के टाइम में जैसे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, सचिन तेंदुलकर, नेल्सन मंडेला, अगर वो ये सोच लेते सर मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, तो क्या वो इतने बड़े आदमी नहीं बनते? नहीं सर, वो ये सोचते थे, अगर उनके दिमाग में ये आता कि मैं नहीं कर सकता, उसको रिप्लेस वो क्या करते थे, वो कहते सर मैं ही कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में करने वाला। तो सर अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए सर, एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं होती, सब कुछ आता है सर सेल्फ मोटिवेशन से। आप इनर अंदर से आप इतना कितना मोटिवेट हो रहे हैं वो आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा। बाहर वाले लोग सर जितना मोटिवेट करते हैं उसको कोई फायदा नहीं है। मैं भी जितना आपको मोटिवेट कर लूंगा सर, जब तक आपके अंदर से ही आवाज नहीं आएगी मुझे करना है, तब तक कोई फायदा नहीं है। ठीक है सर, चलिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरी ईमेल आईडी भी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अगर कॉल पिक नहीं करेंगे तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं अपने अकॉर्डिंगली आपको खुद ही कॉल कर लूंगा, मैं पूरी तरीके से आपकी मदद करूंगा जब आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है सर, चलिए फिर स्टे इन टच। इस वीडियो को पसंद आया तो सर इसको लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा सर, सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है सर, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।